तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खुले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, तुम जो कि नचले रंग रंज दे हमको है ये कहना। हाय गाइस, मैं पहुंच चुका हूं मुंडा पहाड़ पर। ये कोई पहाड़ नहीं है, एक्चुअली में बीच है, चिड़िया टापू बीच। आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पे पानी के अंदर जाना अलाउड नहीं है, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल वगैरह होते हैं। देखा तो मैंने कभी नहीं, बट बोलते हैं यहाँ पे है, तो है मतलब है, तो गवर्नमेंट की कुछ हिदायतें हैं यहाँ पे, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। जो मैं आपको बताऊंगा, 10 साल पहले मैं इस बीच पे आया था, तो यहाँ पे सब कुछ नेचुरल था, यहाँ पे कोई बीच नहीं था एक्चुअली में, यहाँ पे ओनली पत्थर और स्कूबा डाइविंग के लिए और स्नॉर्कलिंग के लिए काफ़ी फेमस था उस टाइम। बट अभी तो यहाँ पे ये सारे पत्थर निकाल दिए गए हैं और रेत इसमें अंदर डाल दिया है, तो ये बीच टाइप बना दिया है, देख सकते हो आप। गाइज, हम पहुँच चुके हैं मुंडा पहाड़। आपको लेके जा रहा हूँ मैं अंदर अभी, ये जो एंट्री है यहाँ से, आपको पहले इसे क्रॉस करने से पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर में, यहाँ पे जो रजिस्टर है यहाँ पे, इस पर एंट्री करनी होगी। तो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे पूरा व्यू, ये पुलिस का एक पोस्ट बनी हुई है यहाँ पे। ज़्यादा लोग नहीं यहाँ पे आए हुए आज। मैं यहाँ तकरीबन 10 साल बाद यहाँ पे आया हूँ अभी दोबारा। पहले और अभी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, पहले नेचुरल ज़्यादा था यहाँ पे, अभी क्या कर दिया इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिफिशियल कर दी है, और अभी मेरे को उतना मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे। बट पहले पूरा यहाँ पे पूरा नेचुरल था, कोई मतलब सुविधा अच्छी नहीं थी, अभी सुविधाएं काफ़ी अच्छी कर दी है, बैठने के लिए काफ़ी सारे स्पॉट बना दिए हैं और सिक्योरिटी वगैरह भी है यहाँ पे, तो इस नज़र से तो काफ़ी अच्छा है। ये सारी सब चीज़ें बनी हुई हैं, डस्टबिन देख सकते हो आप, लकड़ी का बनाया हुआ उन्होंने, और ये बैठने के लिए भी यहाँ पे लकड़ी को काट कर यहाँ पे टेबल बना दिए हैं। और यहाँ पे हट वगैरह भी है, यहाँ पे आप आकर बैठ सकते हो। आपको मैं फुल व्यू दिखा रहा हूँ अभी, आप यहाँ पे आकर गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट वगैरह सामने लगे हुए हैं लोग खेलने, और यहाँ पे झूला वगैरह भी है, आपको दिखा दूँगा। उधर आगे थोड़ा देखो, वहाँ पे बंदा बैठा हुआ झूले के ऊपर,
और मैं आपको दिखा दूँ इसका थोड़ा सा बीच का व्यू। जब सुनामी आई थी तब ये पेड़ उखड़ के गिर गए थे सुनामी के टाइम, आप देख सकते हो ना। ये देखो फुल व्यू बीच का। अभी इस बीच पे अंदर जाना अलाउड नहीं है बिकॉज देर इज़ सो मच क्रोकोडाइल। पर 10 साल पहले हमने यहाँ पे स्विमिंग भी कर रखी है, तब तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बट अभी है। ये देखिए पानी काफ़ी क्लियर है यहाँ पे, आप देख सकते हो, बट ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते हम लोग, तो जस्ट थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, देख सकते हो आप पानी काफ़ी क्लियर है। चिड़िया टापू में ये जो मुंडा पहाड़ है, मुंडा पहाड़ इस जगह का नाम है, बट यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है। और आप देखते हो यहाँ पे एक अच्छा बीच ज़रूर है। बता दूं हम लोगों ने यहाँ से जो बीच एंड है, जो ये इंटरलैंड है, यहाँ से लेके हमने वो जो लास्ट आपको दिख रहा है पॉइंट, यहाँ तक हमने स्विमिंग किया था, स्नॉर्कलिंग किया था। बट आज देखो, आज यहाँ पे बिल्कुल बीच बन चुका है क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ से सारे पत्थर निकाल दिए हैं और सारे नेचुरलिटी ख़त्म कर दी है यहाँ की, जो कि मेरे को तो अच्छी नहीं लगी। बट यहाँ से जो ये जगह दिख रही है आपको, यहाँ से ट्रैक है ऊपर, जो कि एक्चुअली में जो मुंडा पहाड़ है वो आपको ऊपर ही मिलेगा इस ट्रैक से अंदर जाने पे आपको। बट इसका कुछ टाइमिंग है, 3 बजे तक ये खुला रहता है और ऊपर से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। हम लोग ऊपर नहीं जा रहे, हम एक्चुअली लेट हो चुके हैं। हम लोग अभी टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं यहाँ के, तो आप आइएगा और पक्का इस ट्रैक के थ्रू ऊपर से सी का एक बहुत अच्छा सा व्यू लेके अपने कैमरे में कैद करके जाइएगा। ये खोपचे हैं, देख सकते हो आप लोग। हो गया सर, 4:30 हो गया, ऊपर हो गया, 5:30 होता है सर।
ये देखिए यहाँ पे पेड़ों के बीच हट बनी हुई है, आप बड़ा एंजॉय करते हो यहाँ पर आते हो तो। मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ आपको, जो कि एक पुल दिखाऊंगा, लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का पेड़ एक्चुअली है गिरा हुआ है और उसके ऊपर से लोग इधर से उधर क्रॉस करते हैं। तो आइए आपको ले चलता हूँ मैं आगे, सामने आपको दिख रहे हैं दो कपल्स और जो कि फोटोग्राफी कर रहे हैं अपनी मैडम की, देख सकते हो आप। और देखो नीचे से नदी बह रही है और आपको हम बता दें हम डायरेक्टली ही इसको क्रॉस कर जाएंगे, हम पुल के ऊपर से क्रॉस नहीं करेंगे, हम सीधा ही एक टांग से लेके दूसरी टांग पानी के उस साइड। ये देखिए हमने क्रॉस कर लिया नदी। कहाँ पे लाइफ गाड़ी के लिए ऊपर है बना हुआ, इसलिए अगर वो आती है